मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट EVS, लेसन 7। आज मैं क्लास फोर का लेसन 7 पढ़ाने जा रही हूँ EVS में। तो 7 लेसन में आप ये क्या है, क्लाथ्स। क्लाथ्स मीन्स क्या होता है, कपड़े। क्लाथ आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। कपड़े हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। क्लाथ प्रोटेक्ट अस फार्म हीट, कोल्ड, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट। जो क्लाथ कपड़े होते हैं वो हमें सर्दी, गर्मी, धूल, कीटाणुओं और कीड़ों से बचाते हैं। सम क्लाथ आर स्पेशली मेड टू प्रोटेक्ट अस फार्म रेन। स्पेशली क्या होता है, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से। तो कुछ कपड़े हम क्या करते हैं, जो कुछ कपड़े होते हैं विशेष रूप से हमें बारिश से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। डिफरेंट क्लाथ फॉर डिफरेंट सीजन। विभिन्न मौसम में हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाथ इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग सूती, देखिए हम अलग अलग क्या करते हैं, मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉटन क्लाथ। कॉटन क्लाथ मीन्स क्या होता है, सूती के कपड़े जो होते हैं। बी बियर लाइट कॉटन क्लाथ इन समर। हम गर्मियों में हल्के सूती के कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट अस फार्म फॉर्म एक्सेसिव हीट। हम गर्मियों में हल्के सूती के कपड़े पहनते हुए हमें ठंड रखते हैं और अत्यधिक गर्मी से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एक्सेसिव मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। तो वो हमारी क्या करते हैं, अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। बी बियर टी शर्ट, हाफ शर्ट, शॉर्ट्स, कॉटन जीन्स, फ्रॉक एक्सेट्रा समर सीजन। हम क्या करते हैं, जो हमारे गर्मी के दिन आते हैं तो उसमें हम क्या क्या पहनते हैं, टी शर्ट, हाफ शर्ट और शॉर्ट्स और कॉटन की जीन्स, फ्रॉक, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने गर्मी के मौसम में हम पहनते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, वूलन क्लाथ। वूलन क्लाथ मीन्स क्या होता है आपका, आपके जो ठंडी के कपड़े होते हैं यानी ऊने के कपड़े। बी बियर थिन वूलन क्लाथ इन विंटर। हम सर्दियों में मोटे, थिन यानी क्या, थिक मीन्स क्या होता है, जो आपके मोटे होते, तो क्या करते हैं, हम सर्दियों में मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, वो हमें कैसे रखते हैं, वार्म यानी गर्म रखते हैं। बी बियर स्वेटर, स्वेटर आप अगर सर्दियों में क्या पहनते हैं, मौसम में स्वेटर, स्कार्फ, जैकेट एंड कोट्स, ये चीज़ें हम कब पहनते हैं, अपने ठंडी के मौसम में। तो हम सर्दियों के मौसम में स्वेटर, स्कार्फ्स, जैकेट एंड कोट पहनते हैं। नेक्स्ट सीजन देखिए आपका कौन सा है, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन मीन्स क्या होता है, देखिए रेनी क्लास, तो रेनी क्लास मीन्स बरसात के कपड़े। और हम बरसात के कपड़े कब पहनते हैं, रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में पहनते हैं। द क्लाथ दैट बी बियर इन रेन इन वाटर प्रूफ। जो कपड़े हम बारिश में पहनते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। दे कीप अस ड्राई इन द वेट वेदर। बी बियर रेन कोट्स एंड गमबूट्स इन द रेन। बी यूज अम्ब्रेला इन द रेन। जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, गीले मौसम में हम उसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसको गीले मौसम में हम क्या कर सकें, सुखा सकें। और हम बारिश में क्या पहनते हैं, रेनकोट और गम्बूट। गम्बूट मीन्स क्या होता है, जो आपके रबड़ के जूते हैं। तो हम बरसात में क्या पहनते हैं, रेनकोट और रबड़ के जूते पहनते हैं। और हम बारिश में छाते का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्लाथ्स। कपड़े के लिए कच्चे माल का स्रोत। क्लाथ आर मेड आउट ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। फाइबर आर स्पन इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स एंड देन वोवन टुगेदर टू मेक क्लाथ।
कपड़े पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, यानी रेशे कहते हैं। रेशे लंबे मजबूत धागों से काटे जाते हैं और फिर कपड़े बनाने के लिए एक साथ बुन जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, जो आपका रेशे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो फाइबर आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरल फाइबर, और सेकंड क्या है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक रेशे, और सिंथेटिक यानी क्या होता है, संश्लेषित रेशे। तो फर्स्ट क्या आप आ गया, नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक रेशे। फाइबर्स दैट बी गेट फार्म नेचुरल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। प्रकृति से हमें मिलने वाले रेशे को हम प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है। देयर आर टू सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्लांटेड एनिमल्स। प्राकृतिक फाइबर पौधे और जानवरों के दो स्रोत हैं। प्लांट सोर्स, पौधों के स्रोत देखिए, प्लांट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ एंड कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। कपड़े बनाने के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चे माल का जो होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या कहलाता है, आपका कॉटन यानी कपास, जूट, और आपके जो क्या होता है, फ्लैक्स मीन्स क्या होता है, सन। ये सारी चीज़ें आप क्या है, कपड़ों के स्रोत होते हैं। कॉटन इज ए सॉफ्ट वाइट वूल लाइक मटेरियल विच सराउंडिंग द सीड ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट। जो कॉटन होता है यानी कपास, एक नरम सफ़ेद ऊन जैसे सामग्री है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधों के बीज को घेरती है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉटन बाल्स कहते हैं। कॉटन बाल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड, सेपरेशन ऑफ सीड फॉर्म सॉफ्ट कॉटन इज नाउ ए मीनिंग। कॉटन सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग एडिबल्स ऑयल। कपास की गेंदे को इकट्ठा किया जाता है और उसको सुखाया जाता है। नरम कपास के बीज को अलग करना जीनिंग कहलाता, जीनिंग के रूप में जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीनिंग कहते हैं। और कपास के बीजों का उपयोग खाद्य तेल बनाने के लिए किया जाता है। जूट प्लांट इज मेनली ग्रो इन वार्म कंट्रीज। जो आपका जूट का पौधा है मुख्य रूप से गर्म देशों में उगाया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ रोप बैग्स एंड स्नैक फॉर पैकिंग ऑफ फूड ग्रेन सीमेंट एक्सेट्रा। इसका उपयोग खाद्यान्न, सीमेंट आदि के पैकिंग के लिए, मोटे कपड़े, रस्सियों, थैलों और गोलियों के बोरे बनाने के लिए किया जाता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स मीन्स क्या होता है, सन आपका आता है। तो फ्लैक्स इज द अर्लीस्ट नाउ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ आफ्टर वर्क इन लीव्स। इट इज टूडे मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग एंड सम कॉरिस फैब्रिक। छाल और पत्तियों के बाद कपड़े बनाने के लिए फ्लैक्स सबसे पुराना जात कच्चा माल है। यह आज मुख्य रूप से लिनिन और कुछ मोटे कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम फ्लैक्स का उपयोग लिनिन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, एनिमल्स सोर्स। देखिए एनिमल सोर्स यानी हमें पौधे के स्रोत, पौधों से सॉरी एनिमल्स यानी पशु यानी जानवरों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। एनिमल सोर्स यानी जानवरों के स्रोत। एनिमल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वूलन एंड सिल्क क्लॉथ। ऊनी और रेशमी कपड़े बनाने के लिए कच्चे माल के पशु स्रोत करते हैं। हम अपने कच्चे माल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं। ऊल इज ओबीडेंट फॉर्म हेयर ऑफ सीप, कैमल, याक, गोरा गोट एक्सेट्रा। हेयर ऑफ एनिमल्स इन स्पॉन इनटू ऊल एंड यार्न। ऊन भेड़, ऊंट या कंगोरा, बकरी आदि के बालों से प्राप्त की जाती है। जो हमारा ऊन होता है, ऊल होता है, वो किससे प्राप्त होता है, आपके सीप, कैमल, याक, अंगोरा, गोट मीन्स बकरी, इन सब के बालों से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। द यार्न इज यूज टू मेक वूलन क्लॉथ। वूल इज लाइट एंड सॉफ्ट बट इट क्लॉथ आर वेरी
थिक, जो आपके ये धागे का यार्न में रख, जानवरों को ऊनी यार्न में रखा जाता है। इस धागे का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ऊन हल्का और मुलायम होता है, लेकिन इसके कपड़े कैसे होते हैं, थिक होते हैं, यानी बहुत मोटे होते हैं। सिल्क के थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, यानी वेरी थिक मीन्स इसके कपड़े कैसे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। सिल्क इज ओपिटन फॉर्म द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। रेशम के कीट नामक, जो रेशम का कीट है उसके लार से प्राप्त होता है। सलाइवा मीन्स क्या होता है, जो इंसेक्ट यानी कीट होता है उसके सिल्क नाम का जो कीट होता है उसके किससे प्राप्त होता है, रेशम हमें उसके लार से प्राप्त होता है। इट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एज इट ग्रो इंटू एडल्टहुड। द कैटरपिलर स्पिन ऑफ कोकून्स अराउंड इट्सेल्फ एंड चेंज इंटू द प्यूपा। एट दिस स्टेज द कोकून इज बॉयल्ड अप इन वार्म वाटर। दिस किल्स द इंसेक्ट एंड लूसेंस द कोकून्स। इट बिकम इजी एंड द सिल्क स्टैंड बिच इन द स्पन इंटू रील। सिल्क क्लाथ इज वोवेन फॉर्म द थ्रेड। यह सहतूत का पेड़ की पत्तियों में ये कीड़ा रहता है, जो आपका रेशम का कीड़ा होता है वो किस में रहता है, मलबरी ट्री मीन्स क्या होता है, सहतूत का पेड़ होता है, तो इसमें आपका रेशम नाम का कीड़ा रहता है। चूंकि यह वयस्कता में बढ़ता है, कैटरपिलर अपने चारों ओर एक कोक में घूमता है और प्यूपा में बदल जाता है। इस स्तर को कोकून इस गर्म पानी में क्या करते हैं, उबाल देते हैं। कीट को मारता है और कोकून को ढीला करता है। रेशम स्टैंड को अलग करना आसान हो जाता है इससे, जो रील में बदल जाता है। रेशम का कपड़ा रेशम के धागे से बुना जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स संश्लेषित रेसी फाइबर्स दैट आर मेड फॉर्म केमिकल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। रासायनिक और पेट्रोलियम से बने फाइबर को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर नायलॉन एंड पॉलिएस्टर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक क्लास आर स्ट्रॉन्ग लाइट शाइनी दे कैच फाइबर इजली एंड डू नॉट एयर टू पास थ्रू देम। सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित फाइबर है। नायलॉन और जो आपका पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, आपका सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक कपड़े मजबूत होते हैं और एक चमकदार प्रकाश होती है इसमें, वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं और हवा को अपने पास से गुजरने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरियस स्टेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ। देखिए कपड़े बनाने के लिए जो वेरियस स्टेज होते हैं, विभिन्न प्रकार की स्टेज, उसके बारे में बताया गया है। देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ, कलेक्शन ऑफ फाइबर, मेकिंग थ्रेड्स एंड यार्न, टर्निंग थ्रेड्स इनटू क्लॉथ, डेइंग इन एंड ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड फाइनली स्टिचिंग आर द वेरियस स्टेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ। कपड़े बनाने के विभिन्न चरण हैं, तंतुओं का संग्रह, धागे या सूत बनाना, धागे को कपड़े में बदलना, रगाई और विरंजन करना, छपाई करना और अंत में सिलाई करना, ये कपड़े के विभिन्न चरण हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर्स यानी फाइबर्स का संग्रह। फार्मर ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट और द सीप और सिल्क वर्म। फाइबर आर कलेक्टेड फॉर्म प्लांट एंड एनिमल। किसान कपास और जूट के पौधे उगाते हैं या भेड़ या रेशम के कीट पालते हैं। पौधे और जानवरों से ये जो होते हैं एकत्रित, क्या एकत्र करते हैं, फाइबर्स यानी रेशे एकत्र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है आपका, स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स क्या होता है आपका,
कताई करना होता है। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फॉर फाइबर्स। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड चरखा टू स्पिन। लेटर मशीन्स लाइक ए स्पिनिंग जेनी बेयर यूज नाउ आर डे। दिस इज डन बाय यूज मशीन। तो कताई फाइबर के धागे बनाने की क्या होती है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है। पुराने दिनों में लोग चरखे का इस्तेमाल स्पिनिंग जैसी मतलब क्या करने के लिए करते थे, स्पिनिंग करने के लिए कहते थे। चरखा आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी थे वो चरखे से क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, हमेशा चरखा चलाते रहते थे वो। जेनी जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, यह बहुत बड़ी मशीनों द्वारा क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कताई का। फिर नेक्स्ट क्या है, बेबिंग। बेबिंग मीन्स क्या होता है, बुनाई। आफ्टर स्पिनिंग द थ्रेड ऑफ यार्न इन ओवन इन टू क्लाथ। कताई के बाद धागे या धागे को कपड़े में बुना जाता है। ए लूम इज यूज फॉर वीविंग। इफ़ द लूम इज रन बाई हैंड और बाई फीट देन इज कॉल्ड हैंड लूम। एक करघा बुनाई के लिए उपयोग में किया जाता है। यदि करघा हाथ से या पैरों से चलाया जाता है तो इसे हाथ करघा कहा जाता है। इफ द आपके हैंड लूम मीन्स क्या होता है, हाथ करघा। इफ द लूम रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज ए कॉल्ड पावर लूम। इसे यदि करघा बिजली से चलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर लूम कहते हैं। बेवर आर टूज हु बेब्स द यार्न इनटू क्लॉथ। बुनकर वे हैं जो सूत से कपड़े को में बांधते हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग यानी रगाई और छपाई। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू द क्लॉथ। द क्लॉथ इज सुक्ड इन वाटर कंटेनिंग ए कलर और ड्राई एंड देन ड्रायड। ड्राइंग कपड़े में रंग जोड़ने की प्रक्रिया है। कपड़े को रंग या ड्राई वाले पानी में भिगोया जाता है। ड्राइड आर दोज हु ड्राई द क्लॉथ। फिर इसे क्या करते हैं, भिगा के सुखाया जाता है। और खरीदार वे जो ड्राई करते हैं, जो क्या करते हैं लोग, जो खरीदार इसे लेते हैं वो कपड़ा क्या करते हैं, वो लोग ड्राई करते हैं। ब्लॉकर आर यूज टू प्रिंट डिजाइन ऑन द क्लॉथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्लॉथ टिप डिजाइनर आर दोज हु डिजाइन द प्रिंट द क्लॉथ। प्रिंटिंग प्रिंटर्स प्रिंट द डिजाइन ऑन द क्लॉथ। ब्लॉक का उपयोग करके करके कपड़े पर डिजाइन और प्रिंट करने के लिए किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रिंटिंग कहा जाता है। मुद्रण कपड़े को आकर्षण बनाता है। डिजाइनर हुए हैं जो कपड़े के लिए प्रिंट को डिजाइन करते हैं। प्रिंटर्स जो आपके प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिनिशिंग एंड स्टेचिंग। फिनिशिंग एंड स्टैचिंग बिफोर द क्लॉथ इन स्टेचड इट इज ए मेड स्मूथ एंड साइनी। द प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग। आफ्टर फिनिशिंग ए टेलर स्टिचिंग द क्लॉथ। कपड़े को सिलने से पहले उसे चिकना और चमकदार बनाया जाता है। फिनिशिंग यानी क्या होता है, उसको चिकना और चमकदार बनाना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं। और जब ये काम हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी कपड़ों में फिनिशिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम अपने कपड़े को किसको देते हैं, टेलर को देते हैं, यानी दर्जी को देते हैं, जिससे वो कपड़े की क्या कर सके, स्टिचिंग कर सके। केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ। कपड़ों की देखभाल और उसकी क्या करना है, हमें रख रखाव। फर्स्ट द केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन। कपड़े की देखभाल और रख रखाव हमारे शरीर की सुरक्षा और व्यक्तिगत के लिए आवश्यकता है। वॉशिंग। वॉशिंग मीन्स क्या होता है, धुलाई करना। बी शुड वॉश कॉटन क्लॉथ सेपरेटली विथ गुड सोप एंड वाटर।
हमें अच्छे साबुन और पानी के साथ अलग से क्या करना चाहिए, सूती कपड़ों को अलग से धोना चाहिए। सिल्क एंड उलन क्लाथ शुड बी जर्नली ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन रेशम और ऊनी कपड़ों को आमतौर पर साफ किया जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करना चाहिए। कौन कौन से कपड़ों को, उलन एंड सिल्क। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, ड्राइंग। ड्राइंग यानी सुखाना। बी शुड ड्राई क्लॉथ इन सनलाइट, डार्क कलर्ड क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन से। हमें धूप में सुखा, हमें अपने कपड़े धूप में सुखाने चाहिए। और गहरे रंग के कपड़ों में को किस में हमको सुखाना चाहिए, छाए में सुखाना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम डार्क कलर को धूप में सुखाएंगे तो उसके कलर निकल जाएगा। फिर आपका क्या आता है, आयरनिंग। यानी आयरन मीन्स क्या होता है, इस्त्री। इस्त्री मतलब प्रेस करना कपड़ों में। क्लॉथ विंकली आफ्टर वॉशिंग बी शुड आयरन देम टू रिमूव द ब्रिंकल्स, बी लुक स्मार्ट इन ब्रिंकल फ्री क्लॉथस। कपड़े धोने के बाद उसको क्या करना चाहिए, हमें इस्त्री यानी प्रेस करना चाहिए। झुर्रियों को, जो कपड़े में क्या होता है, झुर्रियाँ यानी जो सिकुड़न होती है, तो आयरन करने से वो सारी चीज़ें निकल जाती है और हमारे कपड़े कैसे हो जाते, फ्री क्लॉथ, यानी हमारे कपड़े स्मार्ट दिखने लगते हैं। नेक्स्ट स्टोरिंग। स्टोरिंग मीन्स क्या होता है, आपका भंडारण। टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फॉर्म इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश, बी फोल्ड क्लॉथ और हंग देम ऑन हंजर्स इन द कपबोर्ड्स। कपबोर्ड्स क्या होता है, आपकी जो लकड़ी की अलमारी होती है। बी शुड यूज नीम लीव्स और नेपोथलीन बॉल्स इन द कपबोर्ड्स टू कीप अवे सिल्वर फिश एंड मॉथ। कपड़ों को चांदी के कीड़ों जैसे कीड़ों से, मतलब चांदी के कीड़ों से बचाने के लिए हमें कपड़ों को क्या करते हैं, अच्छी तरह से मोड़ते हैं या अलमारियों में हैंगर में लटका देते हैं। जो आपका कपबोर्ड्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी अलमारी होती है। और हमें चांदी के तासीर और पतंगे को दूर रखने के लिए, आपके जो पतंगे होते हैं तो वो क्या करते, छोटे छोटे कीड़े आप देखते हैं आपके अलमारी में कपड़ों में लग जाते हैं, तो हमें अपने चांदी के तासीर और पतंगों को दूर रखने के लिए अलमारी में नीम के पत्ते या नेफ्थलीन, आप देखते हैं नेफ्थलीन की क्या मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, तो नेफ्थलीन गेंदों का उपयोग करना चाहिए कपड़ों में रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। जूट इज ए नेचुरल फाइबर। बी गेट वूल फॉर्म, इसमें आपका सीप और कैमल दोनों होगा, इसलिए ए एंड बी। नायलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर। नेफ्थलीन बॉल्स कीप अवे सिल्वर फिश। इन रेन बी यूज, इसमें हम रेनकोट अम्ब्रेला दोनों का यूज करते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी। राइट टू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। बी गेट सिल्क फार्म सिल्क प्लांट, ये आपका फॉल्स है। सिंथेटिक क्लाथ लास्ट लॉन्गर्स, ये आपका ट्रू है। डिजाइनर्स स्टिचेज अवर क्लॉथ, ये आपका फॉल्स है। सनलाइट किल्स द जर्म्स, ये आपका ट्रू है। बी गेट सिंथेटिक फाइबर फॉर्म पेट्रोलियम, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर, इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल हो जाएगा। सेकंड देखिए, काटन इज ओविटन फार्म कॉटन प्लांट। नायलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर, इसमें क्या हो जाएगा, आपका सिंथेटिक हो जाएगा। बी गेट सिल्क फार्म द कोकून्स, बी गेट वूल फॉर्म सीप हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू बी बियर विंटर सीजन, बी बियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। What do be used in rain? Be use umbrella on raincoat in rain. Where is jute grow? Jute is grow in warm countries. What is a power loom? Power loom is machine of weaving cloth. It is run on electricity. Why should be iron cloth? We should iron cloths to remove the wrinkles. Up. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू बी नीड क्लॉथ। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बी नीड क्लॉथ। और पेज नंबर आप देखिए,
पेज नंबर 48 में देखिए, ये क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फार्म हीट कोल डस्ट जर्म्स एंड इंसेक्ट, ये आपका यह फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट आर द मेन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ नहीं, हाँ या तो आप इसको पहले लिख लीजिएगा या आप पहले क्या लिखेंगे, कॉटन जूट सिल्क ऊल एक्सेट्रा आर मेन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ। थर्ड क्या है, हाउ इज सिल्क क्लॉथ मेड, सिल्क थ्रेड इन स्प्रेड फॉर्म सिल्क वर्म देन क्लॉथ इज वुवन फॉर्म सिल्क थ्रेड। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर गिव एग्जाम्पल, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक फाइबर में देखिए पेज नंबर 50 में, तो इसका आंसर फाइबर दैट आर मेड से कहाँ तक आपका हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर तक हो जाएगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्पिनिंग, तो इसको आप स्पिनिंग में देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला है, ये स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग थ्रेड फॉर फाइबर्स, ये आपका लास्ट आंसर। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया आपका, ये पूरा नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।